देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन सरकार की परेशानियों में इजाफा करते नजर आ रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों में लगी बंदिशों से अर्थव्यवस्था का पहिया थम सा गया है और इसका असर अगले करीब 2 साल तक रहने वाला है। इन सब के बीच अब गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के बाद उद्योग जगत के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आखिर क्या खास है नई गाइडलाइन में, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी ने उद्योग जगत की कमर तोड़कर रख दी है। पूर्णबंदी की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है, लेकिन मई में जिस तरह से मामले आगे बढ़े हैं, सरकार ऐसे में पूर्णबंदी हटाकर शायद ही बड़ी मुसीबत मोल लेना चाहेगी, क्योंकि अगर एक बार इस मुसीबत की रफ्तार पकड़ी तो सरकार के लिए इससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा और शायद 50 दिनों से ज्यादा की पूर्णबंदी का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वहीं इन सब के बीच उद्योग जगत के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 17 मई के बाद के लिए जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने उद्योगों को पूर्णबंदी के बाद के 1 हफ्ते को ट्रायल पीरियड मानने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है, यूनिट्स को फिर से शुरू करते समय पहले हफ्ते को टेस्ट रन पीरियड के रूप में माने, सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करें और ज्यादा प्रोडक्शन करने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश ना करें। मौजूदा मुसीबत से बचने के लिए इंडस्ट्री में उपकरण पूरी तरह से सैनिटाइज किए गए हों। देश में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद आर्थिक गतिविधियां मुसीबत को बढ़ावा दे सकती हैं। WHO ने इसे लेकर चेताया है। ऐसे में सुरक्षा ही एकमात्र बचाव का विकल्प रह जाता है। उम्मीद करेंगे कि उद्योग जगत गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का अच्छी तरह से पालन करेगा, ताकि परेशानियां विकराल रूप न धारण करें। DB Live की रिपोर्ट।